बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेम एंड फ्राई। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्टीम फिश। ये बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी और बहुत सिंपल रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। स्टीम फिश को कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। स्टीम फिश बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश को मैरिनेट करेंगे और उसके लिए रेडी करेंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन डाला था 2 टेबलस्पून लेमन जूस और उसके अंदर 3 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, 2 टेबलस्पून साल्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया था, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसको फ्रिज पे अप्लाई करेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाला जो है वो सारी फिश पर लगा देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 kg फिश ली थी। अब ये देखें मसाला लग चुका है और अब हम इसको रख देंगे 30-40 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और उसके बाद इसको करेंगे स्टीम। फिश को स्टीम करने के लिए मैंने बहुत सिंपल मेथड यूज़ किया था। मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर तकरीबन 3 लीटर पानी डाला था और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे ताकि स्टीम बन जाए और उसके ऊपर मैंने रखा था स्ट्रेनर और स्ट्रेनर के अंदर सारी फिश जो है उसको अरेंज कर दिया था और उसके ऊपर लिड लगा दी थी। यहाँ पर फ्लेम जो है वो हम फुल कर देंगे इसलिए कि स्टीम बनेगी तो फिश कुक होगी। फिश को हम फुल फ्लेम पे 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और 30 मिनट्स के बाद आप देखें ये फिश बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी सी रेसिपी है ये। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। खुसूसन हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बहुत हेल्दी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल फ्लेम एंड फ्राई को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।